आइडल विनर पवनदीप राजन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पवनदीप राजन युवा दलों की धड़कन बन चुके हैं। उन्होंने अपनी सिंगिंग से सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी है। इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप राजन ने अपनी सिंगिंग के अलावा इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए भी पॉपुलर थे। वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर अपनी परफॉर्मेंस देते दिख चुके हैं। पवनदीप राजन ने तबला, गिटार, पियानो, ड्रम जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स पर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी। इनकी ये परफॉर्मेंस आज भी लोगों को खूब पसंद आती है। अब पवनदीप राजन ने बॉलीवुड में एंट्री की है। सिंगर के साथ साथ वो अब म्यूजिक कंपोजर भी बन गए हैं। वहीं पवनदीप की फैन लिस्ट काफी बड़ी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, ये कॉन्सर्ट का वीडियो है। मंच पर पवनदीप राजन शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मंच पर पवनदीप राजन पियानो बजाकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पवनदीप राजन मंच पर तुझे याद न मेरी आई सॉन्ग गा रहे, अपनी सॉन्ग से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे। सभी फैंस पवनदीप राजन के इस दर्द भरे सॉन्ग को सुनकर इमोशनल हो गए। पवनदीप की दर्द भरी आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, पवनदीप के फैंस उनकी इस परफॉर्मेंस पर खूब वाह वाह कर रहे। एक बार फिर पवनदीप अपनी सिंगिंग से सभी के दिलों पर छाप छोड़ गए। पवन के इस वीडियो पर इनके फैंस कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, अरुणिता कांजीलाल शायद पवनदीप को याद नहीं करती, इसलिए आप ऐसा सॉन्ग गा रहे हैं। एक चाहने वाले ने लिखा, पवनदीप राजन के गाने से उनका दर्द झलक रहा है। एक यूजर ने लिखा, पवनदीप राजन ये सॉन्ग अरुणिता के लिए गा रहे हैं, शायद अरुणिता उनसे खफा है। एक और फैन ने लिखा, पवनदीप राजन जब दर्द भरा सॉन्ग गाते हैं तो दिल रो उठता है। इस तरह के कमेंट्स कर फैंस पवनदीप से सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही पवनदीप के सिंगिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। रूहानी आवाज के मलिका अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन अपनी सिंगिंग से सबको दीवाना बना रहे हैं। दोनों अपनी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज से सबके दिलों में बस गए हैं। अरुणिता और पवनदीप हर कॉन्सर्ट में अपनी आवाज का जादू चलाकर सबका दिल जीत लेते हैं। यही वजह है कि मार्केट में अरुणिता और पवनदीप की डिमांड काफी हाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वुल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।